व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आज जो टीम बनाई है वो मैंने ऑड एंड इवन में बनाई है। ऑड एंड इवन में फ्रेंड्स मैंने इस टीम को ऐसे ही डिवाइड किया है, जैसे ए से लेकर जेड तक मैंने जो नंबर है जिस वर्ड से इनका जो नाम वो स्टार्ट होता है उस अकॉर्डिंगली टीम रखी है। जैसे ए सी ई जी इनको मैंने ऑड में रखा है, बी डी एफ एच इन प्लेयर्स को मैंने जो है वो इवन में रखा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो ऐसी और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस हैं वो मैं आप तक जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। और फ्रेंड्स आप लोग भी, मैं तो उसी टीम को सपोर्ट करूंगा जिस वर्ड से मेरा नाम स्टार्ट होता है और वो वर्ड जिस भी टीम में आएगा, जैसे कि मेरा एस से स्टार्ट होता है तो एस जिस भी टीम में होगा मैं तो उसी टीम को सपोर्ट करूंगा। टीमें तो फ्रेंड्स दोनों ही खतरनाक बनेगी। आप भी फ्रेंड्स उसी टीम को सपोर्ट करना जिस भी टीम में आपके नाम का पहला अक्षर जो है वो आएगा। जैसे कि आपका नाम ए से स्टार्ट होता है तो वहां पर ए बी डिविलियर्स की टीम होगी तो उसको सपोर्ट करना। बी से स्टार्ट होता है, वी से स्टार्ट होता है तो विराट कोहली की टीम आएगी तो उसको सपोर्ट करना। तो इस तरह से अपने नाम के अकॉर्डिंगली टीम को सपोर्ट करना। और फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना और ये जरूर बताना कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। अगर अपना नाम आप नहीं भी बताना चाहते तो भी आप लोग ये जरूर बताना कि मेरा नाम इस टीम में आता है और मैं इस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स भी टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले बनाते हैं ऑड की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो वहां पर नंबर एक पर मैंने रखा है क्रिस्टोफर हेनरी गेल को, जिनका फ्रेंड्स साथ देंगे कमाल लाजवाब राहुल। ये तो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए भी ओपनिंग करते हैं और काफी अच्छी खासी ओपनिंग करते हैं, इनकी जोड़ी काफी फेमस होती है वहां पर। तो इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल एंड के राहुल। नंबर तीन पर फ्रेंड्स वहां पर मैंने रखा है स्टी स्मिथ को, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्लासी बैट्समैन है। नंबर चार की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर 360 बैट्समैन ए बी डिविलियर्स खेलने वाले हैं, जो कि क्लासी बैट्समैन तो नहीं है लेकिन बहुत ही धासू बैट्समैन है। चारों तरफ ये शॉट्स खेल सकते हैं, अजीबो गरीब शॉट्स ये खेलते हैं जिस वजह से इनका नाम 360 पड़ा था। नंबर पांच की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर मैंने रखा है ग्लेन मैक्सवेल को, ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल वहां पर खेलने वाला है, जो कि आईपीएल में भी काफी भारी भरकम रकम देकर किंग्स इलेवन पंजाब ने इनको अपनी टीम में शामिल किया और वहां पर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें यूएई में करते हुए नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। नंबर छह की बात करूं तो फ्रेंड्स नंबर छह पर वहां पर मैंने रखा है महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि हमें इस टीम की विकेट कीपिंग और कैप्टनसी दोनों ही करते हुए नजर आएंगे। नंबर सात पर फ्रेंड्स द मॉन्स्टर आंद्रे रसल, आंद्रे अंदर गेंद बाहर, आंद्रे रसल विल बी देयर, जो कि काफी होनहार ऑलराउंडर हैं, काफी तगड़ी पावर हिटिंग ये करते हैं। नंबर आठ पर फ्रेंड्स इन्हीं के टीममेट सुनील नारायण को मैंने रखा है, जो कि बॉलिंग को अच्छी खासी करते हैं, नीचे आकर आपको बैटिंग भी अच्छी खासी ये कर दे सकते हैं, तो इनकी बैटिंग लाइन काफी लंबी जाएगी। क्योंकि नंबर नौ पर वहां पर मैंने रखा है फ्रेंड्स मिठल स्टार्क को, द यॉर्कर किंग विल बी देयर। नंबर दस पर फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा और नंबर ग्यारह पर पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर को मैंने रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे नाम की टीम थी ये तो टीम काफी स्ट्रांग बन चुकी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो नाम का पहला अक्षर वो ऑड में आता है, तो ये टीम तो काफी स्ट्रांग बन चुकी है। अब देखते हैं कि क्या इवन की टीम में इतना दम है कि वो इस टीम को टक्कर दे पाएगी। डेफिनेटली दम है। क्यों दम नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि उनके ओपनिंग करने जा रहे हैं रोहित सुपर हिट मैन शर्मा, जो कि हमें इस टीम की कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स डेविड वॉर्नर। क्यों फ्रेंड्स? लग रही है ना खतरनाक जोड़ी, अगर एक तरफ क्रिस गेल केएल राहुल है, दूसरी तरफ रोहित सुपर हिट मैन शर्मा एंड डेविड वॉर्नर है। नंबर तीन पर फ्रेंड्स मैंने रखा है द रन मशीन विराट कोहली, किंग कोहली विल बी देयर। नंबर चार पर मैंने पाकिस्तान के बाबर आजम को रखा है, जो कि एक और बहुत ही अच्छा उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान का। नंबर पांच पर फ्रेंड्स वहां पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हमें खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर छह की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर जॉस बटलर हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस टीम में एक फिनिशर की भूमिका निभाएंगे और हमें विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे, जॉस द बॉस जॉस बटलर। नंबर सात पर फ्रेंड्स इंडिया के हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बैट के साथ साथ आपको बॉलिंग से भी अच्छी खासी बॉलिंग कर देते हैं, दो चार ओवर का कोटा ये आराम से पूरा कर जाता है और नीचे आकर ये प्लेयर काफी तगड़ी हिटिंग करता है। नंबर पर फ्रेंड्स करामाती खान, राशिद खान विल बी देयर। नंबर 9 पर मैंने रखा है द बाउंसर किंग जॉफ्रा आर्चर विल बी देयर। नंबर 10 पर फ्रेंड्स न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट वहां पर रहेंगे, जो कि काफी स्विंग करवाते हैं बॉल को, अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलने जा रहे हैं यूएई में, धूम मचाएंगे ट्रेंट बोल्ट। नंबर 11 पर मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर जसप्रीत बुमराह में खेलते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही टीमें कुछ ऐसी दिख रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं और टीम की बात करूं तो वहां पर क्रिस गेल, केएल राहुल, स्टीव स्मिथ, डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, एमएस धोनी, आंद्रे
दरअसल सुनील नारायण, मिशेल स्टार्क, अगस्टर बाडा, मोहम्मद आमिर। इवन टीम की बात करूं, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, बाबर आजम, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अभी आप लोग टाइम लीजिए, सोचिए कौन सी टीम स्ट्रांग है। टीमें तो फ्रेंड्स दोनों ही स्ट्रांग है, इतना कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। मेरा तो नाम का जो पहला अक्षर वो आता है ऑड में, तो मैं सपोर्ट करूंगा महेंद्र सिंह धोनी की टीम को और टीम को। अगर आप लोग का ऑड में आता है तो ऑड को सपोर्ट कीजिए, इवन में आता है तो इवन को सपोर्ट कीजिए। और नीचे कमेंट करके अपना नाम बताना मत भूलना, और आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ये भी मत बताना भूलना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।